सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा एक्सपेरिमेंट लेके आया हूँ जो कि हम लोग मतलब 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। अब आपको पता ही होगा वो जो एक्सपेरिमेंट है उसका नाम है पोटेंशियोमीटर। तो देखिए ये सामने पोटेंशियोमीटर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये जो पोटेंशियोमीटर जो एक्सपेरिमेंट है, मैं इसकी डिटेल्स अभी आपको बताने वाला हूँ कि ये कैसे काम करता है। आप पहले तो ये चीज़ देख लीजिए, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको देख लीजिए ध्यान से। तो ये पूरा देखिए, आप देख सकते हैं पूरा 1 मीटर लंबा जो है ना स्केल लगा हुआ है, और इसके बिल्कुल पैरेलल बिल्कुल बराबर में आप देख सकते हैं कि देखिए ये पॉइंट ए है, कुछ तो पॉइंट ए है ये, ठीक है, इसको हम पॉइंट ए कहेंगे। अब ये यहाँ से वायर निकल के जा रहा है, देखिए ये वाला वायर पहला वायर, और ये वायर पूरा यहाँ तक कवर कर रहा है, यहाँ तक है ना। फिर इसके अंदर इस स्क्रू में से घूम के लौट के आ रहा है, देखिए दूसरा, ये दूसरा दिख रहा है ना, ये वाला सेकेंड, ये वाला वायर है ना, ये वाला। तो ये वायर देखिए चल के आ रहा है यहाँ से, और ये पूरा ऐसे जाएगा और यहाँ पे इस स्ट्रिप से, इस पट्टी से फिर घूमेगा और तीसरा वायर बनेगा, फिर ये वहाँ जाएगा और ये वहाँ घूमेगा और चौथा वायर बनेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बेसिकली ऐसा 4 मीटर का पूरा वायर देखने को मिल रहा है। हाँ, ये छोटा मोटा गैप जो है 1 सेंटीमीटर का जो गैप है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट के अंदर। ये जो गैप थे कि 1 सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर का, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है पोटेंशियोमीटर का, आखिर ये कैसे करते हैं, आइए इसको जानने की अच्छे से कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप सभी लोग एक्सपेरिमेंट को जो है बेसिकली एक बार आप आँख खोल के अच्छे से देख लीजिए। ये देखिए, मैं आपको पहले जो मैनुअल होता है प्रैक्टिकल मैनुअल उसमें दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये पोटेंशियोमीटर का पार्ट ए कर रहे हैं हम लोग, सेपरेट सेल मेथड कर रहे हैं। सेपरेट सेल मेथड आपने 2 मेथड्स पढ़े हुए हैं, एक तो सेपरेट सेल मेथड जिसको हम लोग इंडिविजुअल सेल मेथड भी कहते हैं, और दूसरा वाला होता है बेसिकली सम एंड डिफरेंस मेथड। सम एंड डिफरेंस मेथड वो देखिए, सम एंड डिफरेंस मेथड ये देखिए, वो यहाँ पर पार्ट बी में दिया हुआ है, ये देखिए ये सम एंड डिफरेंस मेथड। तो सम एंड डिफरेंस मेथड जो है हम बेसिकली बाद में करेंगे, ठीक है, सम एंड डिफरेंस मेथड बाद में करेंगे, पहले हम लोग पार्ट ए देख लेते हैं जो कि है सेपरेट सेल मेथड। तो सेपरेट सेल मेथड कैसा है, आइए इसका कनेक्शन जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट ए दिख रहा है, पॉइंट ए पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 वायर्स हैं बेसिकली, देर आर 3 वायर्स। एक वायर जो है वो मेन बैटरी को, मेन सोर्स को, मेन सप्लाई को जा रहा है, जो बड़ी बैटरी है मेन सप्लाई है वो है ये वाली, ये वाली। तो ये मेन सप्लाई है, तो ए पॉइंट से एक वायर इसको जाना चाहिए, इसके पॉजिटिव में है ना, और जो बाकी जो 2 सेल्स है ना उनमें जाना चाहिए, जैसे ये वाला एक सेल है और ये वाला एक सेल है, इसका पॉजिटिव है, इन दोनों में जाना चाहिए वो ए से वायर। देखो इसमें, इसमें दिया हुआ है, देखो ध्यान से देखो, ए से वायर निकल के प्लस में गया इस बड़ी बैटरी के, और ए से वायर निकल के ई टू में भी गया प्लस में, और ई वन में भी गया प्लस में। तो देखिए ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट ए, और ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। तो जो ए वाला पॉइंट है, यहाँ से 3 वायर्स निकले हैं, देखिए मैंने 3 वायर्स निकाल लिए, तो 3 वायर्स लिए, तो उसमें से एक वायर जो है बेसिकली उधर लाल पे गया, देखिए जो रेड वाला है उस पर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए आपको दिख रहा है ये वाला वायर, आँख भर के ध्यान से देख लीजिए, ये देखिए है ना। तो बेसिकली वो जो रेड वाला है, रेड वाला यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल, उस पर गया हुआ है ये वायर। जो दूसरा है बेसिकली वो आप देख सकते हैं, ये देखिए ये 2 वायर्स देखिए कहाँ गए हैं, दोनों सेल्स के रेड पे गए हैं कि नहीं गए हैं, दोनों सेल्स के रेड पे, रेड मतलब पॉजिटिव, ठीक है। सो रेड मतलब ये जो टर्मिनल बनाया हुआ है पॉजिटिव टर्मिनल है। तो एक बैटरी E1 है, एक बैटरी E2 है, मान लेते हैं E2 अननोन है और E1 नोन है, हालांकि दोनों ही हमको पता है कि कितना कितना है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि E1 नोन है, नोन मतलब बोले तो अपने को इसकी वैल्यू मालूम है, और E2 अननोन है इसका मतलब इसकी वैल्यू हमको नहीं मालूम है, इसको हमें एक्सपेरिमेंट में पता करना है, हालांकि हम दोनों की वैल्यू जानते हैं। भाई देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है 1.1 वोल्ट E2 में, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है, किधर गया भाई लिखा हुआ, हाँ यहाँ पे 1.4 वोल्ट, तो हम दोनों जानते हैं। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बेसिकली ऐसा मान लीजिए कि इसको नहीं जानते हैं, तो हम इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट करेंगे। अब कनेक्शंस आप समझने की कोशिश कीजिए, ए से मैं लेके गया पॉजिटिव पे, ए से लेके गया पॉजिटिव पे, पॉजिटिव पे, तो अगर ये तीनों सेल्स पर मैंने लगा दिया, उसके बाद में देखिए ना दोनों का जो नेगेटिव है, इन दोनों का जो नेगेटिव है वो जा रहा है इस कॉम्यूटेटर की पे, जो 4 प्लग वाली की होती है ना, उसको कहते हैं कॉम्यूटेटर की, तो वो कॉम्यूटेटर की ये है, इसमें 4 जगह पर प्लग घुसाया जा सकता है, आप देख सकते हैं 4 जगह पर प्लग लगा सकते हैं, इसमें 4 होल्स हैं, ये देखिए ये भी 4th होल है, मैं दिख रहा हूँ आपको, ठीक है। सो बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पे एक जैसे 4 होल्स हैं, तो 4 होल्स हैं और 4 स्क्रूज हैं। तो बेसिकली जो 2 नेगेटिव है ना, ये देखो ग्रे वाले वायर, मैंने जानबूझ के वायर्स का कलर सेम रखा है ताकि चीज़ें समझने में आसान हो। तो ये देखिए यहाँ से देखिए ब्लैक में से ग्रे वायर निकला, दिख रहा है ग्रे वायर निकला हुआ है ना, तो ब्लैक में से ग्रे वायर निकला, और वैसे ही इस ब्लैक में से भी ग्रे वायर निकला,
और वो इन दोनों स्क्रूज में जा रहा है, इन दोनों स्क्रूज में जा रहा है। और जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला देखो, देखो इधर इधर देखो, पहले पहले तो इधर देखो तुम लोग, यहाँ पे देखिए ये जो माइनस है वो गया स्क्रू में, ये माइनस गया एक स्क्रू में, है ना। तो दो स्क्रूज कनेक्ट हो गए, माइनस माइनस दोनों सेल का स्क्रू में गया, दोनों स्क्रू मतलब कनेक्ट हो गए, इन द सेंस इससे कनेक्ट हो गए, ये वाला स्क्रू इससे और ये वाला स्क्रू इससे कनेक्ट हो गया। अब ये जो ये वाला स्क्रू है, ये वाला स्क्रू ये कनेक्ट होना चाहिए गैल्वेनोमीटर से, देखो इधर देखो, ये वाला स्क्रू कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर से, कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सो गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है। तो बेसिकली ये वाला देखिए, ये वाला देखिए, ये वाला दिख रहा है, ये वाला स्क्रू मैंने कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर से, सो गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर है ये चीज, लिखा हुआ भी है गैल्वेनोमीटर। अच्छा, अब गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट बेसिकली कनेक्टेड है हमारे टैप की से, टैप की, इसको टैप की भी बोलते हैं, टैप की नहीं बोलते हैं सॉरी, इसको जॉकी बोलते हैं, जॉकी, जे ओ सी के ई वाई, जॉकी। तो बेसिकली फ्रीली मूविंग चीज को हम लोग जॉकी कहते हैं यूजुअली, फ्रीली मूविंग, तो फ्रीली मूव कर सकता है ये, मतलब ये वाला जो एक सेकेंड, हाँ ये देखिए, ये वाला इसका एंड जो है आप देख सकते हैं, बेसिकली ये आराम से यहाँ वहाँ चल सकता है, तो इसको हम लोग कहते हैं जॉकी, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख ही सकते हैं कि हमने जो है ये वाला एंड जो है जॉकी से, मतलब गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया, और गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा एंड है वो जॉकी से कनेक्ट किया है। अभी जॉकी जो है फ्रीली मूव कर सकती है, इस पूरे वायर पे, चारों वायर पे चल सकती है जॉकी, इन चारों वायर्स पे राइड कर सकती है जॉकी। अरे जो घोड़े के ऊपर घुड़सवार बैठता है उसको भी हम लोग जॉकी कहते हैं ना, तो बेसिकली राइड कर सकता है जॉकी, ठीक है। ओके, अब ये जो ए पॉइंट की बात की थी वो तो ठीक है, लेकिन इस बैटरी से नीचे माइनस में क्या हो रहा है वो देखिए। तो ये जो माइनस है, इसका जो माइनस है देखो, उसको मैंने सफेद वाला वायर लिया, सफेद वायर ये पीछे से थोड़ा मैंने डाल दिया है, हाँ ये देखो, देखो सफेद वायर, ये कहाँ कनेक्टेड है, देखो यहाँ पे इस प्लग की से कनेक्टेड है। ये जो सफेद वाला वायर है आप देख सकते हैं, इस प्लग की से कनेक्टेड है, प्लग की के दो पैर है ना भाई, ये दो पैर, तो एक पैर से कनेक्टेड है माइनस वाला, और दूसरे पैर से कनेक्टेड है रियोस्टैट। ये देखो रियोस्टैट जो है, ये है रियोस्टैट, इस बंदे का नाम रियोस्टैट है, तो रियोस्टैट का फिक्स टर्मिनल, फिक्स टर्मिनल, इधर देखो ध्यान से देखो, बैटरी का माइनस वाला प्लग की से कनेक्टेड है, प्लग की का जो दूसरा पैर है वो रियोस्टैट से कनेक्टेड है, और रियोस्टैट में तीन पैर होते हैं, अरे दो फिक्स्ड वाले होते हैं ऊपर नीचे, दो फिक्स्ड वाले और एक होता है फ्री वाला, ये जो एरो बना है ना ये फ्री वाला, समझिए इस बात को। ये देखिए जो रियोस्टैट होता है, रियोस्टैट के तीन पैर होते हैं, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को ये वाला पैर, तो ये फिक्स्ड, और ये होता है फ्लोटिंग, ये फ्लोटिंग पैर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये फिक्स्ड पैर दिखा नीचे, ये फिक्स पैर दिखा नीचे, दो फिक्स पैर हैं, है ना, और एक फ्लोटिंग पैर है, ये वाला है, फ्लोटिंग क्यों बोलते हैं इसको, अरे ये यहाँ से वहाँ देखो वेरिएबल है, ये मूव कर सकता है, इसलिए इसका नाम फ्लोटिंग है, तो फ्लोटिंग वाला पैर। तो अब देखो यहाँ पे कितने पैर इस्तेमाल किए गए, ध्यान से देखो, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे रियोस्टैट का एक फ्री पैर जो है ना, ये वाला फिक्स पैर को फ्री छोड़ दिया गया, फिक्स्ड पैर जो है ना, फिक्स्ड वाला, उसको एक को छोड़ दिया गया, उसमें कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, देखो उसमें कुछ भी कनेक्ट नहीं किया है, लेकिन जो ऊपर वाला है वो, ऊपर वाला इन द सेंस दूसरा वाला है, तो दो है ना, दो फिक्स्ड वाले हैं ना, तो एक फिक्स्ड वाले को हम लोग ने प्लग की से कनेक्ट किया है। तो देखो फिक्स्ड वाला एक कनेक्टेड है प्लग की से, और जो फ्लोटिंग वाला है वो कनेक्टेड है पॉइंट बी से, फ्लोटिंग वाला बी से कनेक्टेड है कि नहीं, गुड। अब सर्किट कनेक्शन कंप्लीट हो गया, अरे बहुत ही बचकाना सर्किट कनेक्शन है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। तो बेसिकली ये जो है, बेसिकली आपके पास क्या चीज़ें हैं, तीन बैटरीज हैं, उसे ए कनेक्ट कर दो, जो रियोस्टेट का फ्लोटिंग है बी से कनेक्ट कर दो, रियोस्टेट का एक फिक्स्ड वाला कनेक्ट कर दो प्लग की से, प्लग की का एक कनेक्ट कर दो बैटरी के माइनस से, इन दोनों के जो माइनस है कनेक्ट कर दो कम्यूटेटर की से, कम्यूटेटर का जो एक बच गया है वो मतलब लगा दो गैल्वेनोमीटर से, गैल्वेनोमीटर का जो एक बच गया वो लगा दो आपके टैप की से। तो बेसिक टैप की नहीं यार, मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, इट इज नॉट टैप की, इट इज बेसिकली जॉकी, इसे जॉकी कहते हैं। तो अब देखिए बेसिकली क्या करना होता है, तो मैंने कर दी सारी चीजें स्विच ऑन, मैंने यहाँ से ना मेन बटन दबा के सब कुछ स्विच ऑन कर दिया है। अब यहाँ से भी मैं इसको ऑन करता हूँ, तो देखिए पावर ऑन हो चुकी है। यहाँ पे जो वोल्टेज है आपको बेसिकली 4-5 वोल्ट ले लेना है, ज्यादा नहीं लेना, एकदम 4-5 वोल्ट सफिशियंट है। क्यों सफिशियंट है, बिकॉज ये दोनों बैटरीज छोटी हैं, इनसे ताकतवर होना चाहिए पावर सप्लाई, मेन पावर सप्लाई तो ताकतवर होना ही चाहिए ना। ये 1.4 वोल्ट का है, ये 1.1 वोल्ट का है, जो कि हमें पता नहीं है, मतलब हमें ऐसा अज्यूम करना है, ऐसा नाटक करना है कि हमें मालूम नहीं है। तो ये जो दोनों हैं इन दोनों से ज्यादा ताकतवर होना चाहिए, बल्कि इन दोनों को मिला दो तो उससे भी ज्यादा ताकतवर होना चाहिए, बात याद रखिए, खास करके समन डिफरेंस मेथड में, समन डिफरेंस मेथड में इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो उससे ज्यादा पावरफुल ये होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो बेसिकली ये जो चीज़ है
ये छोटी है, ये बड़ी है, तो अब काम हो जाएगा, अब काम हो जाएगा। तो देखिए अब क्या करना, सबसे पहले शुरू में जब इसको हमने स्टार्ट कर दिया तो मैं लूँगा ये अपना जॉकी, ये जॉकी लेके देखो मैं इधर टच करूँगा ए पे, पहले ए पे टच करना है और गैल्वेनोमीटर का रिएक्शन देखना है। देखो पहले तो देखो गैल्वेनोमीटर की सुई कहाँ दिख रही है आपको, जीरो पे दिख रही है। गैल्वेनोमीटर की सुई आपको जीरो पे दिख रही है, अरे दिख रही है कि नहीं दिख रही है भाई? तो मैं इसको देखो टच करूँगा तो देखो क्या होगा, मैंने इसको टच किया यहाँ पे तो गैल्वेनोमीटर की सुई कहीं तो जाना चाहिए, ठीक है वो अभी हम देखेंगे। ये देखिए मैं गैल्वेनोमीटर की सुई इधर, मतलब ये हिल ही नहीं रही है, यहाँ पर टच भी कर रहा हूँ, गैल्वेनोमीटर की सुई वहीं की वहीं है, क्योंकि मैंने एक गलती की है, गलती की है। अरे भैया कम्यूटर की में तो कीज ही नहीं डाली है, तो एक की डालना है यहाँ पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखिए पकड़ा एक की, तो अब कनेक्ट कर रहा हूँ मैं E1 को, E1 को कनेक्ट कर रहा हूँ E1। अरे अगर मैंने इस होल में प्लग की लगा दी तो ये जो पहला वाला सेल है, अरे भैया पहला वाला सेल ये है E1, ये है E1, तो ये कनेक्ट हो गया। अरे समझो समझो इस बात को समझो, अगर मैंने चाबी, अरे ध्यान से देखो ध्यान से देखो, ये देखो ध्यान से, ये अगर मैंने चाबी यहाँ डाली तो E1 कनेक्टेड है, और चाबी यहाँ डाली तो E2 कनेक्टेड है। तो बेसिकली यहाँ से E1, यहाँ से E2, यहाँ से E1, यहाँ से E2 ऐसे कनेक्टेड है। तो मैं पहले E1 को सर्किट में ले रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ। देखो मैंने E1 को सर्किट में ले लिया, E1 को सर्किट में ले लिया, अब मैं ये कर रहा हूँ। अच्छा एक सेकंड, मैं आपको रिएक्शन और ये साथ में दिखाता हूँ। देखो टच कर रहा हूँ उसको, देखो टच करूँगा वो हिलेगा, देखो हिला के नहीं हिला, हाँ हिल गया। देखो गैल्वेनोमीटर की सुई देखो कहाँ चली गई, देखो ध्यान से दिख रहा है, तो ये हिल गया है ना। अब देखो बी को ना टच करूंगा, देखो बी को टच करने पे ये अपोजिट साइड में जाना चाहिए, देखो जा रही है ना, तो बी को टच किया, अरे भाई बी को टच किया अपोजिट साइड में है, ए को टच किया लेफ्ट में गई, बी को टच किया राइट में गई, अच्छे से टच नहीं हो पा रहा। हाँ अब टच हुआ, क्या है ना कि एक हाथ से मोबाइल पकड़ रहा हूँ, एक हाथ से दिखा रहा हूँ, कर रहा हूँ, मुश्किल हो रहा है। तो बेसिकली आप बस मुझ पर यकीन कीजिए कि मैं लेफ्ट मतलब ए और बी में टच कर रहा हूँ। देखो ए में टच किया इधर चली गई, बी में टच किया राइट में चली गई, ए में टच किया लेफ्ट में चली गई, बी में टच किया राइट में चली गई। ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उसके पीछे आपको फिर ये करना पड़ेगा, इसमें बदलाव लाना पड़ेगा, इसको आगे पीछे चलाओ, कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि दोनों बाजू में डिफ्लेक्शन आएगा। दोनों बाजू में डिफ्लेक्शन आना जरूरी है, दोनों बाजू में डिफ्लेक्शन नहीं आया तो आपका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा, काम ही नहीं करेगा। ओके तो हम जो करने वाले हैं बेसिकली यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन देखने वाले हैं, इसमें नल डिफ्लेक्शन। तो पहले हम क्या करेंगे सुनिए जरा ध्यान से सुनिए, तो पहले मैं लगाता हूँ ए पे लगाया, सुई लेफ्ट में चली गई। अब जो ए से जुड़ा हुआ वायर है मैं उस पर ना इसको चलाऊंगा, देखो इसको चलाऊंगा, इसको मैं चलाऊंगा ध्यान से देखो, इसको जब मैं चलाऊंगा सुई देखिए कहाँ पे, सुई दिख रही है लेफ्ट में दिख रही है, लेकिन जब मैं इसे चलाऊंगा मतलब बोले तो ऐसे ऐसे करके चलाऊंगा, इस वायर के ऊपर चलाऊंगा धीरे धीरे, तो देखो अब सुई है ना आगे बढ़ना स्टार्ट होगी थोड़ी देर में, रुकिए रुकिए सुई आना स्टार्ट होगी। अच्छा अभी तक भी नहीं आई, नहीं आई नहीं आई नहीं आई नहीं आई नहीं आई नहीं आ रही है सुई, अभी नहीं आ रही, रुकिए अभी आई आएगी, डोंट वरी। ये पूरा वायर एग्जॉस्ट हो गया, यहाँ तक वायर एग्जॉस्ट हो गया, अब रास्ता बदल लीजिए, इस पर आ जाइए, दूसरे वाले वायर पर आ जाइए, उस पर चलाइए, चलाते रहिए। तो बेसिकली अभी कहीं ना कहीं ऐसा होगा, डोंट वरी। ये देखो आना शुरू हो गया, अरे जो दूसरा वायर है भाई वहाँ पे चीज़ें होना शुरू हो गई, दूसरे वायर पे चीज़ें होना शुरू हो गई। ये देखो चलाया, नल डिफ्लेक्शन आने वाला है, बोले तो जीरो आना है। अरे इस एक्सपेरिमेंट में जीरो लाना है, अरे देखो एक सेकेंड अकल के पुतलो इधर ध्यान दो, देखो मैं उस वायर पे ले आता हूँ, उस वायर पे देखो सुई का है इधर है, अब देखो इस वायर पे ले जाता हूँ, इस वायर पे ले गया सुई आगे जीरो पे, अच्छा इस वायर पे लेके आता हूँ राइट में चली जाएगी, देखो दिख गई राइट में, तीसरे वायर पे, चौथे वायर पे लेके गया और राइट में चली गई, अरे भाई दिखा के नहीं दिखा, ये देखो राइट में जा रही है ना, दिख रहा है ना चौथे वायर पे, तो इस सेकंड वायर पे इधर कहीं जाके मुझे जीरो मिल रहा है ना, तो एग्जैक्टली जीरो जहाँ आ जाए वहीं रुक जाओ। तो जीरो मुझे कहाँ है, देखो इधर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अरे यहाँ पे क्या लिखा हुआ भाई, ये लिखा हुआ 78, जहाँ मैं रुकाऊँ ना, नहीं 78 नहीं लिखा, 75 लिखा है, 74.5 बल्कि थोड़ा एग्जैक्टली अगर देखेंगे तो, बट ठीक है मैं 75 मान के चलता हूँ, अरे अकल के बुतलो 75, लेकिन सुनो, ये देखो पहला वाला जो है ये पूरा 1 मीटर का है, मतलब 100 सेंटीमीटर तो ऑलरेडी हो गए थे, अरे यहाँ से चलाते गए पूरा वहाँ तक पहुँचे, 100 तो उधर ही हो गया, और फिर यहाँ से चला के लाए तो 75 इधर भी हमने कवर कर लिया, तो 175 है रीडिंग है, 175, अरे 175 है कि नहीं है, पहला वायर जब तुमने पूरा चलाया सुई जो है वो हिल ही नहीं रही थी, दूसरे वायर पे आया तो सुई हिलना स्टार्ट हुई, और फिर जीरो पे जब हम 75 पे पहुंचे तो 175 इसकी रीडिंग है, मैं उसको नोट कर लेता हूँ, आइए इसको नोट करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको पीछे नोट करेंगे, तो ये देखिए इसको भी हम नोट कर रहे हैं, ये देखिए E1 जो है ना, E1 ये गिवन होता है और ये है 1.4 वोल्ट है ना, मेरा 1.4 वोल्ट का E1, अरे भाई यहाँ पे लिखा है ना भाई E1 1.4 वोल्ट, ठीक है।
और यहाँ पर जो लेंथ हमको आई है वो 175 सेंटीमीटर आई है। 175 मैंने 175 नोट कर दिया भाई, आप लोग देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं भाई। तो हम लोग ने क्या किया कि 175 नोट कर दिया। अब L2 निकालेंगे। L2 बोले तो अरे इसका जो है ना, इसको अब कनेक्ट करेंगे ना। अरे वो तो था कनेक्टेड, अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से ये चाबी निकालेंगे और चाबी इधर डालेंगे। जब चाबी हम इधर डालेंगे तो बेसिकली अब हमारा ये E2 कनेक्ट हो गया, तो इसकी जो लंबाई आएगी बैलेंसिंग लेंथ, नल डिफ्लेक्शन वाली लेंथ, वो कहलाएगी L2। अरे ये देखो ना डायग्राम में दिखाया है भाई कि अगर आपने चाबी डाल दी यहाँ, ये देखो 1 की चाबी, तो ये दोनों कनेक्ट हो जाएगा ना, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएगा, ये दोनों कनेक्ट हो जाएगा। और जब चाबी यहाँ डालोगे ना तो फिर ये दोनों कनेक्ट हो जाएगा, ये दोनों। समझ में आ रही है बात है कि नहीं समझ में आ रही है भाई आपके? आई होप कि आपको ये बातें सब समझ में आ रही है। गुड, वेरी नाइस। तो बेसिकली आप लोग समझ पा रहे हैं कि चाबी यहाँ डालोगे तो ये दोनों कनेक्ट हो जाएगा, मतलब E1 कनेक्ट हो जाएगा, और जब चाबी यहाँ डालोगे तो E2 कनेक्ट हो जाएगा भाई, E2 कनेक्ट हो जाएगा, ये दोनों कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब यानी कि जो बैटरी है ये गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट हो जाएगी, सेकंड वाला सेल। तो अब सेकंड वाला सेल गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट हो गया इस चाबी के थ्रू, ठीक है, क्योंकि मैंने चाबी डाली है नीचे वाले होल में, तो ये दोनों कनेक्टेड हैं। जब ऊपर वाले होल में डाली थी, उधर डाली थी, तो वो दोनों कनेक्टेड थे। आई होप ये बात आप सभी को समझ में आ रही है। सो नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली, अब हम इसका भी निकाल लेते हैं, उसकी रीडिंग देखते हैं क्या आती है। ठीक है, इसकी रीडिंग क्या आती है। सो मैं क्या कर रहा हूं, इसकी रीडिंग के लिए अब वापस से जॉकी को चला रहा हूं। ये देखिए, तो बेसिकली ये मेरे हाथ में जॉकी दिख रही है आपको। अब ये देखिए, ये तो जीरो पे ही है। अब फिर से पहले टैप कर लेना, ये देखो एक बार चेक कर लेना खाली। वैसे तो हो गई, ये देखो लेफ्ट में गई है ना, लेफ्ट में गई, और बी में टैप किया तो राइट में गई, ए में टैप किया लेफ्ट में गई, बी में टैप किया तो राइट में गई। ठीक है, चलिए अब चलाना शुरू करते हैं, चलाना शुरू करते हैं। तो बेसिकली चलाना हम इसको शुरू करेंगे, ये देखिए यहाँ से चलाना शुरू किया। अच्छा, दोनों चीज़ें दिखाना है ना मुझे आपको, तो रुकिए। तो मैंने ए से चलाना शुरू किया, लेफ्ट में ही है, लेफ्ट में ही है, लेफ्ट में ही है, लेफ्ट में ही है, लेफ्ट में ही है। सुई हिल नहीं रही है, सुई हिल नहीं रही है, सुई हिल नहीं रही है। चलाते जा रहा हूँ प्यार से, सुई हिल नहीं रही है। कहीं ना कहीं तो हिल जाओ भाई, क्यों मुझे परेशान कर रही हो, नहीं हिल पा रही। ओके, चलाते हैं। हाँ, आना शुरू हो गया है कि नहीं, ये देखिए आ रहा है। फैंटास्टिक, आ गया ऑलमोस्ट, यस। तो कहाँ, जीरो आया कि नहीं आया? हाँ, पहुँच गए जीरो पे पहुँच गए, यस। हाँ बस यहाँ रुक जाओ, आगे निकल जाओगे ये तो। हाँ बस तो यहीं रुक गए। ये देखो कितने पर रीडिंग आई, देखो ये आई है 38 पे, 38 है कि 36 है भाई, लग रहा है मेरी बूढ़ी आँखें कमज़ोर होती जा रही। अरे मैं बूढ़ा नहीं हूँ भाई, 30 साल का हूँ खाली। बट एनी वे तो बेसिकली 37 पे भाई मुझे नल डिफ्लेक्शन मिला। कितने पे मिला है? 37 पे नल डिफ्लेक्शन मिला है। तो 137 हो गया ना। अरे कल के पुतलो, तो 137 हुआ कि नहीं हुआ? पहला वाला जो था 100 था, दूसरा वाला मिला है ना, 100 चल के गए पहले तुम, फिर वहाँ से 38 चल के आए, तो 37 तो 137 हो गया। ठीक है, चलो उसको नोट करते हैं। तो मैं यहाँ नोट कर लूँगा 137। अब देखो सुनो, ऐसा चार बार करना है। अब तुम बोलोगे सर बाकी की रीडिंग्स कैसे लेंगे, L1 L2 आ तो गया, तो क्या करने का मालूम है, क्या करने का, सुनो। इधर देखो अकल के पुतलो, थोड़ा सा इसको चेंज करने का, हल्का सा रिस्ट्रक्चर, ज़्यादा नहीं कर देना, हल्का सा चेंज करने का। चलो हल्का चेंज हो गया। अब बेसिकली अब सेम डिस्टेंस पे नहीं आएगा, मैं तुमको दिखा दे रहा हूँ, चारों रीडिंग निकालूंगा नहीं, एक ही रीडिंग से करके दिखाऊंगा एक्सपेरिमेंट, लेकिन मैं तुमको दिखा दे रहा हूँ कि सच में ये रीडिंग बदली है कि नहीं बदली है, 175 से कुछ और हुआ है कि नहीं। तो वापस से पहले E1 कनेक्ट करो, मतलब ये लो इधर लगा दो, मतलब अरे E2 था ना ये, E1 है कनेक्शन, तो E1 कर दो। अब 175 पे नहीं आना चाहिए, कुछ और पे आना चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं, लेकिन हमेशा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले इंश्योर करें कि दोनों बाजू जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। गया हाँ गया, अब गया बराबर। अरे थोड़ा पकड़ नहीं पा रहा अच्छे से, राइट में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हाँ गया, तो ये ज़रूरी है। अरे भाई इधर लिया तो जाना चाहिए, इधर रखा तो जाना चाहिए, लेफ्ट में राइट में। तुम्हारा उल्टा भी हो सकता है, इधर रखा तो राइट में गया, इधर गया तो लेफ्ट में गया, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जाना चाहिए बस, दोनों बाजू जाना चाहिए, जीरो के दोनों बाजू जाना चाहिए। तो चलो इधर किया तो लेफ्ट में गया, ठीक है। चलो चलाना शुरू करते हैं, देखते जाओ अभी, हटा दो भाई इस अड़चन को बीच में से। चलो ये देखो कुछ हो रहा है क्या, देखो इन्हें, ये हैं तारे ज़मीन पे। अरे कहाँ पहुँच गया मैं? हाँ अरे भाई आना शुरू हो जाए यार, क्यों बेइज्जती करवा रहा है? तो बेसिकली आएगा कि नहीं आएगा? अरे नहीं आ रहा यार, क्या हो रहा है? अरे कहीं पे नहीं आएगा? अरे हाँ आया, अरे आ गया। बिल्कुल मैं ऐसे खुश हो गया जैसे कि बारिश आने पे मेंढक खुश हो जाते हैं ना। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं, देखिए थोड़ा सा आगे पीछे करके दिखा रहा हूँ कि दोनों बाजू जा रहा है ना। अरे देखो रे बाबा, दोनों बाजू जा रहा है ना।
तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, सेंटर पे लाके छोड़ दे रहा हूँ, सेंटर पे लाके। ओके ओके, सेंटर पे आ चुका है। अब सेंटर पे कहाँ आया है ये देख लो। तो ये कुछ 92 93 दिख रहा है, 92 93। अरे यार मेरे हाथ क्यों कांप रहे, पार्किंसंस तो नहीं हो गया मुझे? पता नहीं यार, कुछ भी होता रहता है। सुनो, एक ही हाथ से पकड़ पकड़ के मेरी उंगलियाँ जो है तड़प रही हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। सो 93, सो 193, 193 में हमको नल डिफ्लेक्शन मिला है। तो अगली रीडिंग जो हमारी हो जाएगी वो 193 हो जाएगी। चलो यार, अब तुम इतना कह ही रहे हो तो दो रीडिंग्स तो निकाल ही देता हूँ तुम्हारे लिए, ताकि तुम लोग बाद में यार दुखी ना हो जाओ। तो ये देखो, यहाँ पे आ गया मेरा 193, है ना? पहले 175 था, 193। चलो इसको भी लास्ट चेक देख ही लें यार, तुम लोग को मैं उदास नहीं करूँगा। चलो फटाफट फटाफट भाई इसको तो डाल दो, और जो है ये चलो ट्राई करते हैं यार डायरेक्टली। कौन स्लाइड करता रहेगा बार बार इतना लंबा? तो ये स्लाइड करना वैसे होता है, शराफत है तुम लोग, शराफत से करना। मैं सर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो बेसिकली मैं थोड़ा चीटिंग वीटिंग कर रहा हूँ, चीटिंग इन द सेंस डायरेक्टली करके देख रहा हूँ किधर है जीरो। मेरे को अंदाज़ा है ना, मेरे को अंदाज़ा है कि किधर आने वाला है अप्रोक्सीमेटली। चलो तो ये सेकेंड वायर पर डायरेक्टली लगा के देख रहा हूँ। हाँ इधर आ रहा है क्या? नहीं इधर आ रहा है, इधर आ रहा है। हाँ इधर आ रहा है, बराबर बराबर इधर आ रहा है। सो इधर आ रहा है, परफेक्ट 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 परफेक्ट। डायरेक्टली सेकंड वायर पे मैंने देखना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे आ गया। अरे भैया देखो, देखो जीरो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ जीरो दिख रहा है। तो कौन सा डिस्टेंस पे आया ये? 52 पे आया। सो 52, सो बेसिकली पहले की रीडिंग थी मेरी कुछ 137, अब हो गई 152। भाई किधर गया? हाँ इधर है। सो 152 मैं इस पर लिख देता हूँ। तो ये हो गया मेरा 152। चलो बस अब मैं मान लेता हूँ कि मेरे को चार रीडिंग नहीं निकालना है, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं ये दोनों से ही कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, सो लेट्स कैलकुलेट, लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। रिकॉर्डिंग ऑन, और ये है कैलकुलेटर आपके सामने। बेसिकली यहाँ पे मैं वैल्यूज जो है वो डाल के देखूंगा। तो मेरे पास जो पहले वैल्यू आई थी, सबसे पहली वाली, वो आई थी 175 175 डिवाइडेड बाई जो वैल्यू थी वो 137 थी, 137। सो मुझे कुछ तो रेशियो आ गया है ना। सो 1.277 37, ये मुझे रेशियो आ गया है। ओके 1.277737, मतलब मैं 1.277 ले लेता हूँ। ठीक है, तो अच्छा, और वैसे ही दूसरा भी एक चेक कर लेता हूँ, दूसरा भी चेक कर लेता हूँ। तो दूसरा जो मेरा था वो क्या था, 193 डिवाइड बाई 152। तो ये कितना आ गया, 1.2697 आ रहा है ना। तो 1.2697, सो इसको मैं क्या कर सकता हूँ यार, बल्कि ये 1.270 हो गया पता है। चलो इसको पूरा लिखता हूँ, 97 1.2697, इतना लिख देता हूँ, है ना, अच्छा लग रहा है। तो ये देखो देखो, मैंने कैलकुलेटर दिखाया था 1.2774 और 1.2697, ऐसे करके दो रीडिंग्स आई है कि नहीं आई है ना। इन दोनों का चलो एवरेज ले लेते हैं, एवरेज यहाँ पे लिखेंगे। अरे तुमको चार का एवरेज लेना है, मैं दो का ले रहा हूँ, चलेगा ना? तो हम जो है दो का एवरेज ले लेते हैं, 1.277 और 4 का और 1.2697 का। चलिए मैं कैलकुलेटर में घुस चुका हूँ वापस से। तो 1.2774 प्लस 1.2697, है ना, इसको ऐड कर दिया, डिवाइड बाई 2 कर दिया, मेरा एवरेज आ गया 1.27355, 1.27355 मतलब 1.2736, 1.2736। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1.2736, लिख दिया 1.2736, आ गया ना। अभी इधर आ जाओ, पीछे के पेज पे आ जाओ। तो यहाँ पे मीन जो वैल्यू आई थी 1.2736। अब मेरे को E2 निकालना है, तो E2 कैसे निकालेंगे? अरे बड़ा इजी है यार, E1 बाई E2 की वैल्यू जब तुम्हें 1.2736 आई है, तो तुम क्या करो, तुम क्या करो कि E2 की वैल्यू निकालना है ना। तो E2 की वैल्यू कैसे जाएगी, E2 को उधर लेके जाओ, है ना, और उसको नीचे लेके आओ। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी E1 बाई 1.2736। तो E1 तो मेरा 1.4 था ना, अरे पहले ही बताया यार, देखो E1 मेरा 1.4 है। तो 1.4 डिवाइड बाई 1.2736, चलो कैलकुलेटर में दिखा देता हूँ। तो ये देखिए 1.4 डिवाइडेड बाई 1.2736, इसका आंसर आ रहा है 1.0992, 1.0992। ठीक है, ये देखो अकल के पुतलो, 1.0992। अरे इसको अगर मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ, इस पूरी चीज़ को राउंड ऑफ कर देता हूँ, तो 1.1 बन गया ना, 1.1 वोल्ट, ये मैं जीत गया। ये देखो, अरे भाई E2 की वैल्यू 1.1 E2 की वैल्यू 1.1 आ गई, अरे आई के नहीं आई मेरे भाई। तो 1.1 वोल्ट आ गया, या फिर 1.0992, रहने दो, और भी बेहतर है, अच्छा लग रहा है, एकदम साइंटिफिकली किया, ऑर्गेनिकली किया, कुछ भी चीटिंग नहीं की है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि इस तरीके से एक्सपेरिमेंट आपका ये पहला पार्ट कंप्लीट हुआ, संपन्न हुआ, खत्म हुआ। अब हम लोग चलते हैं एक्सपेरिमेंट के सेकेंड पार्ट पे। ये है सेकेंड पार्ट, और सेकेंड पार्ट के लिए बेसिकली आप सेकेंड वीडियो देखिए, बिकॉज ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो चुका है। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेसिकली
आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो है सेकेंड पार्ट। किस चीज़ का सेकेंड पार्ट? सेकेंड पार्ट पोटेंशियोमीटर का। आपने फर्स्ट पार्ट पिछली बार सीखा था, अभी मैं सेकेंड पार्ट आपको सिखा रहा हूँ। तो बेसिकली पहले आइए इसके कनेक्शन समझ लेते हैं। जो पोटेंशियोमीटर है बेसिकली इसके हम कनेक्शंस को समझ लेते हैं, सेकेंड पार्ट वाले कनेक्शंस। ठीक है, सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट उस दिन हो चुका है, आप वो फर्स्ट वीडियो देख लीजिए। मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा वो लिंक, ठीक है, पहले वीडियो की। तो अभी कनेक्शन समझते हैं। तो कनेक्शन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देखेंगे हम लोग, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो चीज़ है, देखिए पॉइंट ए दिख रहा है, पॉइंट ए पे दो वायर्स जुड़े हुए हैं। एक वायर जो है मेन सप्लाई को गया हुआ है और एक जो है वो ईवन सेल को गया हुआ है, ईवन। तो हमारे पास देखिए ईवन है, ठीक है, ईवन, ये ईवन का प्लस वाला है और वैसी वो जो सप्लाई है मेन सप्लाई उसका वो प्लस वाला है, रेड वाला है ना। तो देखिए इसका इसका प्लस और इसका प्लस, देखिए दोनों का प्लस, दोनों का प्लस पॉइंट ए पर गया है। देखिए पॉइंट ए पर, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है, दिस इज पॉइंट ए। तो पॉइंट ए पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमने दो चीज़ें बांधी हुई हैं, एक उसका प्लस और एक इसका प्लस। तो E1 ये है और मेन सप्लाई वो है, बैटरी E। तो E का और E1 का दोनों का प्लस जो है आपस में जुड़ा हुआ है और वो इस पॉइंट A पर गया हुआ है। आई होप कि ये बेसिक सी चीज़ आपको समझ में आई है ना, ये बेसिक सी चीज़ आप समझ पा रहे हैं। अच्छा, अब ये जो इसका माइनस है वो कहाँ गया है? इसका माइनस गया हुआ है कॉम्यूटेटर की पे। कॉम्यूटेटर की जो है इसके इसके इस वाले स्क्रू में गया हुआ है, पहले स्क्रू में। देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ है वैसा, उसी तरीके से। तो ये जो इसका जो माइनस है, E1 का जो माइनस है वो गया कम्यूटेटर की के एक स्क्रू पे, है ना, एक स्क्रू पे गया हुआ है। अब बेसिकली जो कम्यूटेटर की के जो ये दो लोग हैं, दो स्क्रूज है ऊपर नीचे के, ये एक सेल E2 से कनेक्टेड है ना। आप लोग देख सकते हैं E2 से कनेक्टेड है, ऊपर और नीचे वाला E2 से कनेक्टेड है। तो देखिए मैंने इसको कनेक्ट किया है E2 से, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, मतलब ये दोनों स्क्रूज। तो देखिए यहाँ पे दोनों स्क्रू दिखाई दे रहे हैं आपको। तो देखिए ये ऊपर वाला है और ये नीचे वाला पार्ट है, ये दो स्क्रूज हैं। ये दोनों जो वायर्स हैं देखिए कहाँ गए हैं। देखिए पहले तो ये नीला वाला वायर देखिए, ये कहाँ गया है, ये E2 में गया है। देखिए ये दिख रहा है, ये E2 है। अरे ये E1 था, ये E1 था, ये क्या है, ये E2 है ना। तो E2 के प्लस में गया। अब देखो E2 का जो माइनस वाला दिख रहा है, ये देखो माइनस वाला वायर मैं उठा रहा हूँ, माइनस वाला वायर उठाया, दिख रहा है इसमें नीचे वाले में? अरे दिख रहा है कि नहीं भाई, ये देखो, ये दिख रहा है। तो माइनस वाला वो ब्लैक से देखो कनेक्टेड है, तो ब्लैक से कनेक्टेड है। तो ये माइनस वाला जो है वो बेसिकली यहाँ पर कनेक्टेड है। तो ये दोनों आपको लेके डायरेक्टली इसमें लगा देना है, बस इतना समझ लीजिए। और ये जो अकेला वाला है, ये अकेला वाला, अरे ये दो उसमें लगाना है, ये अकेला वाला जो है बैटरी के बेसिकली माइनस में लगाना है, बैटरी के माइनस में, ठीक है, बैटरी के माइनस में लगाना है। और इसका प्लस वाला तो आपको पता ही कहाँ लगा था, इसका प्लस साथ में मिलके पॉइंट ए पे लगा हुआ है। सो आई होप कि आपको बात समझ में आई। बहुत ही सिंपल कनेक्शन है, सिंपल सा कनेक्शन। तो ए में से दो वायर्स निकले और एक वायर गया उसके प्लस में और एक वायर गया इसके प्लस में। फिर इसका जो माइनस वाला था वो गया इधर कम्यूटेटर की में, आपको दिख ही रहा है माइनस वाला जो है कम्यूटेटर की में चला गया है, ठीक है, माइनस वाला। और बेसिकली फिर उसके बाद में क्या हुआ कि आपने ये जो दो वायर्स लिए थे, ये दो वायर्स आपने लगा दिए इसमें E2 में, और अब ये जो निकला है ना ये गैल्वेनोमीटर में जाएगा। तो ये जाएगा गैल्वेनोमीटर में, तो ये गैल्वेनोमीटर में गया हुआ है, आप देख ही सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर E1 का जो माइनस है वो इसमें पहले स्क्रू में गया, ये जो दो ऊपर नीचे के स्क्रू हैं वो E2 में गए, और जो ये चौथा वाला स्क्रू है वो गैल्वेनोमीटर में गया। अभी गैल्वेनोमीटर में तो चला गया, अब गैल्वेनोमीटर में से निकल के जो है वो जॉकी को जाएगा। तो देखिए गैल्वेनोमीटर का जो मतलब ये वाला पार्ट है, ये ब्लैक वाला, यहाँ से निकल के जॉकी में गया। सो दिस इज द जॉकी, दिस इज द जॉकी, ठीक है। तो अच्छा, अब ये इतना तो आपको कनेक्शन समझ में आ गया, लेकिन उसका माइनस का क्या? इसका माइनस हमने यूज ही नहीं। तो अब आप गौर से देखिए ये वाला कनेक्शन। तो ये जो मेन बैटरी है ना, ये मेन बैटरी का जो माइनस है ये गया बेसिकली प्लग की के अंदर, है ना, और प्लग की से गया रियोस्टेट के फिक्स टर्मिनल में, फिक्स वाले टर्मिनल में, ठीक है। तो देखिए बैटरी का जो माइनस है, ये जो मेन बैटरी है, ये देखो माइनस, अरे भाई काला वाला माइनस, ठीक है, दिख रहा है ये जो लाल, मतलब लाल नहीं, ऑरेंज वायर मैंने यूज़ किया है बेसिकली, ये जो भगवा रंग मैंने इस्तेमाल किया है, ठीक है, केसरिया, गेरुआ, भगवा, आप कुछ भी कह सकते हैं इस रंग को। तो ये जो भगवा रंग मैंने इस्तेमाल किया है बेसिकली, ये कहाँ गया हुआ है, ये गया है यहाँ पे, ठीक है, प्लग की पे। ये प्लग की है ना, और प्लग की है ना ये पूरी चीज़, तो इस पे गया है। अच्छा, प्लग की से कहाँ गया है? प्लग की से निकल के गया फिक्स टर्मिनल ऑफ द रियोस्टेट। तो देखो ये फिक्स टर्मिनल है, दो फिक्स टर्मिनल्स होते हैं, वो भी होता है, एक ये भी होता है। तो दोनों में से एक को खाली छोड़ना है, एक पे लगाना है, तो कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने ये वाला यूज़ किया। वैसे ये फ्लोटिंग टर्मिनल है, तो फ्लोटिंग टर्मिनल से निकल के जो है वायर देखिए कहाँ गया है, पॉइंट बी पर गया। ये पोटेंशियोमीटर है ना, अरे भाई ये पूरी चीज़ पोटेंशियोमीटर, अगर किसी ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो देख लो ध्यान से। तो बेसिकली पोटेंशियोमीटर के बी पे गया हुआ है, तो वहाँ से निकल के पोटेंशियोमीटर के बी पे, अरे यहाँ भी वो, ये देखो बैटरी से बेसिकली निकला और बैटरी से निकल के गया प्लग की पे, प्लग की से निकला रियर साइड के फिक्स पे गया, और एक रियर साइड का पैर छोड़ दिया खाली, जो हमने वो खाली पैर छोड़ा था ना, ये वाला पैर खाली छोड़ दिया ना, तो देखो वो वाला पैर ये है, तो खाली छोड़ दिया। और इसका जो फ्लोटिंग है, फ्लोटिंग मूवेबल, ये फ्लोटिंग होता है ना, ये चलता है जो,
ये चलता है फ्लोटिंग, तो फ्लोटिंग वाला जो है वो कनेक्ट कर दिया था हमने पॉइंट बी पे, देखो उसमें वो पॉइंट बी पे कनेक्टेड है, फ्लोटिंग वाला पॉइंट बी पे कनेक्टेड है, और बस बी से तो आपस में वायर से कनेक्टेड है ही, ये जो चार वायर्स हैं है ना, ये चार वायर्स हैं इनसे ए और बी आपस में कनेक्टेड हैं। सो आई होप कि आपको ये बेसिक सा अरेंजमेंट समझ में आया होगा। सो ये हमारे पास पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट है, अब हम इसका सेकंड पार्ट करने को जा रहे हैं, तो लेट्स अंडरस्टैंड सेकंड पार्ट कैसे किया जाएगा। ओके, तो बहुत ही ध्यान से सभी लोग देखेंगे अभी मैं क्या करने वाला हूँ। तो मैंने देखिए ये जो प्लग कीज है ना, ये दोनों बेसिकली कनेक्टेड कर दिए, क्रॉस कनेक्शन आपको करना है, तो एक बार ऐसे करना है और एक बार क्या करना है, ये दो स्क्रूज में करना है कनेक्शन, ये दो स्क्रूज में। तो देखिए यहाँ पे मैं कनेक्शन कर रहा हूँ, एक ये वाला और एक ये वाला, तो एक एक करके रीडिंग निकालने, तो चलो पहले मैं यही वाला कर देता हूँ, ये जब लगा दिया तो ये वाला कर देता हूँ। देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, अगर मैंने बेसिकली ये वाला स्क्रू कनेक्ट कर दिया 1 और 2 के बीच वाला, मतलब 1 और 2 के बीच में प्लग की डाल दिया और 3 और 4 के बीच में प्लग की डाल दिया, तो बेसिकली क्या होता है ना, लोग सपोर्टिंग मोड में आते हैं, E1 और E2 सपोर्टिंग मोड में आते हैं, तो बेसिकली जो लेंथ मिलेगा वो रहेगा L1 लेंथ, ये कितना होगा E1 plus E2 के बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, E1 plus E2 के बराबर। आई होप कि आपको ये बेसिक से बात समझ में आ रही है, ये E1 plus E2 के बराबर सपोर्टिंग मोड में ना, समय डिफरेंस मेथड कर रहे हैं, तो E1 plus E2 के बराबर। और उसके बाद में हम लोग अगर प्लग कीज यहाँ से निकाल देंगे और यहाँ लगा देंगे, ऑपोजिट में लगा देंगे, तो बेसिकली क्या होगा, ऑपोजिट में लगाने से क्या होगा कि ये डिफरेंशियल मोड में आ जाएंगे, मतलब डिफरेंस मतलब दोनों एक दूसरे को अपोज करने लगेंगे, ये दोनों एक दूसरे को अपोज करने लगेंगे, तो एक सपोर्टिंग मोड है और एक अपोजिंग मोड है, ठीक है। तो ये जो है ना, जब आपने इसे क्रॉस करके लगाया ना, ये जब क्रॉस करके आपने लगाया तो ये कैसा मोड है, ये वाला, ये देखो ये वाला जो क्रॉस करके मोड है ना, ये हो गया आपका सपोर्टिंग मोड, और जब इधर और इधर लगाएंगे तो ये हो जाएगा अपोजिंग मोड, है ना। तो चलो अभी मैंने सपोर्टिंग मोड में लगा दिया है, अब मैं बेसिकली नल पॉइंट फाइंड आउट करता हूँ, सो लेट्स फाइंड आउट द नल पॉइंट। ओके, सो नल पॉइंट अभी हम निकालने जा रहे हैं, तो मैं पहले तो ये टैप की ले लूँगा, यहाँ पे टच करूँगा, देखिए जो सुई है एक तरफ चली गई, हटा दिया, देखो जीरो पे आ गई, तो टच कर दिया ए पे, अब मैं बी पे टच कर रहा हूँ, तो बी पे टच करने पे अपोजिट साइड में जाना चाहिए, तो देखो अपोजिट साइड में गई, अगर अपोजिट साइड में नहीं जाएगी तो आपको नल पॉइंट नहीं मिलेगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है, नल पॉइंट मिलना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली ये एक साइड में और ये दोनों साइड पे जब जाएगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तब जाके बीच में नल पॉइंट मिलेगा, जो कि हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली ए पे मैंने चेक तो कर ही लिया था कि जो सुई है मेरी हिल रही थी, है ना, देखो ए पे हिल रही है, देखो है ना सुई, ए पे रखने पर सुई हिल रही है वहाँ पे, और बी पे भी ऑपोजिट में जा रही है। तो मैं यहाँ से टैप करना स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से स्लाइड करना, सॉरी टैप करना नहीं, स्लाइड करना स्टार्ट करता हूँ, उसको मैं स्लाइड कर रहा हूँ, देखते हैं नल पे आ रहा है कि नहीं। तो पहले लाइन पर मुझे लग नहीं रहा कि आ रहा है, सेकंड लाइन पर मैं ट्राई कर लेता हूँ, थोड़ा सा एक्सपीरियंस के समझ कर, हाँ सेकंड लाइन पे आ रहा है मुझे नल पॉइंट, देखो ये देखो आपको दिखा नल पॉइंट, तो यहाँ पे नल पॉइंट है, तो ये जो है नल पॉइंट है, इसे मैं नोट कर लूँगा 62, तो उसका 100 पहले वाले का पूरा 100 और इसका 62, तो 162 ये मैं नोट कर लूँगा, ठीक है 162। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे जो है ना L1 नोट कर रहा हूँ, तो L1 कितना है मेरा 162 आया है ना, 162, देखिए मैंने इसको नोट कर लिया 162। अब बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, ये तो सम वाला पार्ट हो गया ना सम, अब हम लोग डिफरेंस वाला देखेंगे, तो डिफरेंस के लिए मैं ये जो कीज़ हैं ये बदल रहा हूँ, तो यहाँ से उठा के एक की यहाँ लगाया, एक की यहाँ से उठा के यहाँ लगाया, ठीक है। तो ये डिफरेंस वाला पार्ट है, अब डिफरेंस वाले में हम लोग देखते हैं कि लेंथ कितनी आती है, ठीक है। सो लेट्स चेक द लेंथ, तो मैं ये ले रहा हूँ जॉकी, और जॉकी से चला के देख रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो सुई देखो कहाँ पर है, ये देखो छोटी सी लेंथ में काम हो गया, छोटी सी लेंथ में आ गया, बिकॉज डिफरेंस है ना, तो बैटरी जिसको अपोज कर रही है तो वोल्टेज कम है, तो कम वोल्टेज बैलेंस करने से समझ लो, तो कम वोल्टेज को बैलेंस करना है तो छोटी सी जगह में आपको देखने को मिल जाएगा, है ना, तो बेसिकली छोटी सी जगह में आपको देखने मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे आके आपको देखने मिल गया है, ये देखिए यहाँ पे आपको नल पॉइंट मिल गया, पहले वायर पे मिल गया, और इसकी वैल्यू कितनी है भाई, इसकी वैल्यू है 19, ऊपर वाला देखो भाई, नीचे वाला मत देखना, ऊपर वाला देखो, सो 19 है इसकी वैल्यू, ठीक है 19। अरे खाली इधर से चल रहे हो ना, जब इधर से चलोगे तो ऊपर वाला देखोगे, जब इधर से जाओगे तो पीछे वाला देखोगे, मतलब समझ, नीचे वाला देखोगे, इधर से जाओगे तो ऊपर वाला, इधर से जाओगे तो नीचे वाला, समझ में आ रही बात है। तो 19 सिर्फ 19 सेंटीमीटर, सो लेट्स राइट इट, हम लोग लिख लेते हैं इसमें 19 सेंटीमीटर, सो L2 हमारा 19 सेंटीमीटर है। अब ये बाकी की तीन रीडिंग्स इतना दिखाने का मेरे पास टाइम नहीं है, उसमें खाली करना क्या होता है मालूम है, कि आपको ये जो रियोस्टैट होता है ना, थोड़ा सा बस चेंज कर देना होता है, तो बैलेंसिंग लेंथ भी चेंज हो जाती है, बैलेंसिंग लेंथ बस इतना ही होता है। ऐसे चार बार रीडिंग लेना है, बट मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ कि मैंने चार बार ले लिया है, हालांकि लिया एक ही बार है, ठीक है। अब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, उसके बाद मैं इतने दोनों सब्ट्रैक्ट करूंगा और इस फॉर्मूले में डालूंगा, ठीक है। तो ऐड किया हुआ जो है बेसिकली वो आ जाएगा 180, कितना आ जाएगा 181 आ जाएगा ना, 162 प्लस 19 करेंगे तो 181 आ जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे है ना, 162 में से 19 सब्ट्रैक्ट करेंगे
143 आ जाएगा, 143। तो अब यहाँ पे मैं इसको सब्सिट्यूट करूंगा, ई वन बाई ए टू का रेशियो निकालूंगा, ठीक है, ई वन बाई ए टू का रेशियो। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, 181 डिवाइड बाई 143 करना है। तो देखते हैं कितना आंसर आता है। तो चलिए मैं आपको कैलकुलेटर में ले चलता हूँ। 181 डिवाइड बाई 143, तो ये मुझे आ रहा है 1.2657, राइट, 1.2657। तो मैं इसको नोट कर लूँगा, 1.2657। ओके, अब मैं मान के चल रहा हूँ कि ये चारों रीडिंग्स मैं निकाल चुका हूँ, चारों का यही आंसर आ रहा है, तो इसका मीन भी जो होगा वो 1.2657 ही होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए मैंने नोट कर लिया 1.2657, तो इसका मीन भी मैं मान रहा हूँ कि 1.2657 है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं उससे कोई भी एक सेल की वैल्यू निकालूंगा, जैसे मान लो E2 की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो E2 की वैल्यू मुझे पता करना है। तो E2 की वैल्यू क्या है मुझे पता करना है, E1 की वैल्यू जो है ना वो गिवन है, वो 1.1 वोल्ट है, 1.4 वोल्ट है, 1.4 वोल्ट। एक सेकंड मैं दिखा देता हूँ आपको, E1 किधर गया मेरा, हाँ ये है E1, E1 इज 1.4 वोल्ट। तो इसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, E2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए तो मेरा रेशियो कितना आया, मेरा E1 बाई E2 जो आया वो आया 1.2657, और मुझे निकालना है E2, तो E2 हो जाएगा E1 बाई 1.2657। तो यानी कि E1 की जो वैल्यू है वो है 1.4 डिवाइड बाई 1.2657, है ना, ये आएगा ना। तो चलिए अब मैं आपको फिर से ले चल रहा हूँ कैलकुलेटर पे, तो ये E2 की वैल्यू मुझे मिल जाएगी वहाँ पे। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे देखिए मैं डिवाइड कर रहा हूँ 1.4 डिवाइड बाई 1.2657, तो आप देख सकते हैं मुझे आंसर आ रहा है 1.1061। सो 1.1061 E2 की वैल्यू मुझे आ रही है 1.1061, ठीक है। तो ये देखिए E2 की वैल्यू मुझे आ रही है 1.1061 वोल्ट। ओके, अब मैं चेक करता हूँ कि ये सच में है कि नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी है जो E2 है उसकी वैल्यू 1.1 वोल्ट है, और हमको भी बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज़ आई है ना, हमको भी एग्जैक्टली यही आया। देखो यहाँ पे E2 लिखा हुआ, E2 इज 1.1 वोल्ट, तो E2 हमको 1.1 वोल्ट आ गया, हमारा एक्सपेरिमेंट सफल हो गया, ठीक है। तो हम लोग ने बेसिकली चीज़ कर ली ध्यान से। ऐसे आप मतलब करना क्या, तीन बार रीडिंग और निकालनी है, एवरेज निकालना है, एवरेज से क्या और बेहतर रीडिंग आती है ना। तो जैसे कि 1.1061 है, हो सकता है आपको और नज़दीक आ जाए 1.1 के। ओके, बट फिलहाल मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है, और आई होप कि आपको ये बात समझ में आई। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात और समझाना चाहूँगा कि आखिर ये जो मैं कह रहा हूँ कि अपोज करता है, सपोर्ट करता है, इसका मतलब क्या है। तो आप यहाँ पे जो चीज़ ध्यान से देख रहे हैं ना, मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत ही गौर से देखिएगा। तो दोस्तों ध्यान से आप ये देखिए, बेसिकली ये मैंने कम्यूटेटर की बनाई है, इसमें आपको मालूम है कि यहाँ पर है ना, इस वाले जो ये जो स्क्रू है यहाँ से E1 कनेक्टेड है ना, E1, और ये वाला जो है E2 जो है E2, ये बेसिकली आपका कनेक्टेड है ऊपर और नीचे, ये दोनों से कनेक्टेड है ना ऊपर से। तो अगर मैंने यहाँ की प्लग की और यहाँ की प्लग की अगर ज्वाइन कर दी, तो आप समझ सकते हैं कि ये और ये रास्ता जुड़ गया। अब देखिए ये दोनों सपोर्टिंग मोड में आ गया, देखो यहाँ से ऐसा करंट आगे बढ़ा, घूमा, इधर गया, इसके पास गया, है ना, फिर यहाँ से ऐसा नीचे आया, फिर करंट इस तरीके से जा रहा है। तो बेसिकली देखो ना, अगर आप रास्ते से चलोगे तो ये है आपका बेसिकली प्लस, ये है आपका माइनस, ठीक है। तो प्लस माइनस पहले मिला, फिर वापस से जब चल रहे हो तो आपको प्लस माइनस ही मिल रहा है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है कि प्लस माइनस देखो ऐसा, अगर ऐसा रहेगा ना सीक्वेंस में कि प्लस माइनस फिर घूम के प्लस माइनस, तो ये होता है आपका सपोर्टिंग मोड। लेकिन अगर मैं ये हटा दूँ, ये दोनों को हटा दूँ, ये दोनों कीज़ लगाऊँ ही नहीं, ये दोनों कीज़ नहीं लगाऊँ, बल्कि ये दोनों कीज़ लगाऊँ, ये वाला और ये वाला, अगर मैंने प्लग की ये दोनों वाला लगाया तो देखो क्या होगा, फिर अपोजिंग मोड में आ जाएगा। कैसे, ये देखो यहाँ पे तो प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस की सीक्वेंस है। अब देखो प्लस माइनस से यहाँ पे करंट जाएगा, इधर जाएगा, बराबर है, इधर जाएगा, यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से नीचे जाएगा, फिर यहाँ से इस तरीके जाएगा, यहाँ से जाएगा। फिर देखो आपको क्या दिख रहा है, सीक्वेंस उल्टा हो गया, माइनस प्लस हो गया ना, माइनस प्लस, तो सीक्वेंस उल्टा है। तो अगर इस तरीके से होती हैं चीज़ें, अगर चीज़ें इस तरीके से होती हैं तो बेसिकली क्या होगा आपका, ये होगा अपोजिंग मोड। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो पहले सपोर्टिंग मोड था, पहले ऐसे करके जा रहा था करंट, इस तरीके से घूम फिर के ऐसा 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 फिर इसमें, लेकिन अब अपोजिंग मोड हो गया। अपोजिंग मोड क्या होता है, अपोजिंग मोड में इस तरीके से आया, नीचे गया, है ना, फिर यहाँ से नीचे गया और फिर ऐसे गया, ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, फिर यहाँ से गया और उसमें से बाहर निकल गया। तो ये आपका अपोजिंग मोड है। तो देखो सपोर्टिंग मोड में ना करंट कुछ इस तरीके से ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके फिर ऐसे निकल के जा रहा है, और अपोजिंग मोड में वो कैसे जा रहा है, देखो अपोजिंग मोड में इधर जा रहा है, है ना, फिर इधर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर ऐसा होके फिर ऐसा घूम रहा है और ऐसे करके इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। तो ये अपोजिंग मोड वाला है। तो इसमें क्या हो रहा है कि माइनस से माइनस टकरा रहा है, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो ये अपोजिंग मोड है, और इससे पहले जो आपको मैंने दिखाया वो सपोर्टिंग मोड है। सो दिस इज़ द
सपोर्टिंग मोड, ये सपोर्टिंग मोड है, ठीक है, ये सपोर्टिंग मोड है। आई होप कि आपको ये इतनी सी बात सिंपल सी समझ में आई होगी। अच्छा लिसन, बेसिकली मैंने आपसे क्या कहा था कि पहला जो हमने बैलेंस किया ना वो E1 प्लस E2 को बैलेंस किया है और उसकी लेंथ हमको L1 आई, और बाद में हमने क्या बैलेंस किया है, E1 माइनस E2 को बैलेंस किया है और उसकी लेंथ हमको L2 आई। तो फिर इससे अचानक में फॉर्मूला चेंज कैसे हो गया? अरे हमने कंपोनेंटो डिविडेंडो किया है, कंपोनेंटो डिविडेंडो वो क्या होता है, E1 प्लस E2 माइनस E1 माइनस E2, ठीक है, ऐसा रहता है, डिवाइड बाई E1 प्लस E2, एक सेकेंड, ऊपर पहले प्लस आएगा, कंपोनेंटो डिविडेंडो में ऊपर प्लस रहता है, ऊपर नीचे माइनस रहता है। अरे मतलब ये न्यूमरेटर है ना और ये डिनोमिनेटर है ना, तो फॉर्मूला बनता है n प्लस डी बाई एन माइनस डी, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर एंड अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे आपको जो है E1 प्लस E2 माइनस E1 माइनस E2 आएगा, और यहाँ पे राइट साइड पे भी बिल्कुल वैसा होगा, L1 प्लस L2 होगा, L1 माइनस L2 होगा, बिकॉज ये न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे भी वैसा होगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि E1 तो बच जाएगा, लेकिन E2 गायब हो जाएगा, माइनस माइनस है ना, और वैसे यहाँ पे E1 गायब हो जाएगा, तो ऊपर 2E1 बचेगा, नीचे 2E2 बचेगा, तो वो 2-2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ E1 बाई E2 हो जाएगा और यह आ जाएगा L1 प्लस L2 बाई L1 माइनस L2। तो आई होप कि आपको ये जो फॉर्मूला जो यहाँ पे लिख के दिखाया हुआ है ये कैसे आया ये समझ में आया होगा, है ना। हमने पहले बार में सपोर्टिंग मोड में जब रखा ना, तो बैलेंस है ना L1 हो रहा है, मतलब E1 प्लस E2 हो रहा है L1 लेंथ से बैलेंस, और E1 माइनस E2 हो रहा है L2 लेंथ से बैलेंस, ठीक है। तो दो मेथड मैंने आपको सिखा दिए हैं, बेसिकली किस चीज़ के दो मेथड सिखाए हैं आपको, मैंने दो मेथड सिखाए हैं पोटेंशियोमीटर के, है ना, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हमने कर लिया इसको, ओके।